प्रश्नावली सात का उदाहरण नंबर 27 है। 27 को नंबर उदाहरण का पहला सवाल है, वाई बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 अपॉन में 1 + 4 की पावर x है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनवर्स फंक्शन आता है ना साइन इनवर्स, तो इसका भी अपने को यहाँ पे साइन ही बनाना होता है, साइन के फॉर्म में ही बनाना होता है, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो वाई बराबर में साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 है, तो 2 की पावर x + 1 का मतलब 2 की पावर x है और 2 की पावर 1 है, अलग अलग लिख लेंगे पावरों को, 2 की पावर x थी और 2 की पावर 1, ठीक है। अपॉन में 1 + 4 है, तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितनी है, x है। अब 4 की पावर x है, इसका मतलब इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी x, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, ठीक है। अगर ये नहीं लिखना चाहें अपन, इसको ये भी लिख सकते हैं, x को अंदर लिख सकते हैं और 2 को बाहर लिख सकते हैं, तो 2 की पावर x और पूरे की पावर कितनी है 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन ये लिख सकते हैं कि ये जो x है ना, इसको अंदर लिख लें और इस 2 को लिखें बाहर, तो 2 की पावर हो गई x और फिर पूरे की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 की पावर x, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोबारा से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 की पावर x। अब ये भी 2x है और यहाँ पर भी क्या है 2x, 2x को अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, टेन थीटा मानेंगे, तो ऊपर बनेगा 2 tan θ अपॉन में 1 + tan²θ बनेगा, तो 2 tan θ अपॉन में 1 + tan²θ साइन 2θ का सूत्र होता है। तो अपन x की जगह 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2x की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स, ये तो 2 है ही पहले से, इस 2 की पावर x की जगह लिख लिया अपन ने tan θ, तो ये 2 tan θ हो गया। अपॉन में 1 प्लस इस 2 की पावर x की जगह क्या लिखेंगे, tan θ लिखेंगे, और उसका करेंगे क्या, स्क्वेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा tan²θ। तो y बराबर में साइन इनवर्स 2 tan θ अपॉन में 1 + tan²θ, ये सूत्र होता है साइन 2θ का, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर में क्या आ जाएगा 2θ, y बराबर आ जाएगा यहाँ से अपने पास में 2θ, ठीक है। अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स 2x आ जाएगा, तो y बराबर में 2θ की वैल्यू लिख लेंगे, 2 और टेन इनवर्स ये जो x है यही आएगा 2 की पावर x, ठीक है। अब इसका अवकलन निकालना अपने को, तो y का अवकलन करते हैं, तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, y का अवकलन होता है dy/dx, 2 का 2, टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन में 1 + x², यानी 2x का क्या करना अपने को, स्क्वेयर, टेन इनवर्स x का हो गया अवकलन। उसके बाद में इस 2x का भी अवकलन करेंगे, तो 2x है यहाँ पे ax, और ax का अवकलन होता है ax log a, तो इसका क्या हो जाएगा 2x का, 2x log 2 हो जाएगा, ठीक है। ax का अवकलन होता है ax log a, तो ax की जगह तो ax आएगा, ax की जगह मतलब 2x आ जाएगा, फिर log a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये क्या बन गया अपना, यहाँ से dy/dx क्या निकल गया फाइनली, dy/dx बराबर ऊपर है 2 की पावर 1 इंटू में है 2 की पावर x, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, x + 1, यानी बेस सेम है, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है, तो x + 1 हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा इसके log 2, बट्टे में 1 + 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी x, तो ये आ जाएगा इसका dy/dx। उसके बाद हम बी है, वाई बराबर में टेन इनवर्स एक्स की घात 1/3 + 1 की घात 1/3, 1 - x की होल घात भी 1/3, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला, यानी अपन जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, बट्टे में होता है 1 - x y, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 - x y, तो ये वाली चीज़ तो अपने को लिख के दे रखी है इसने यहाँ पे, ये वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ से x की जगह तो कितना है, x ही घात 1/3 है, और y की जगह कितना है, 1 ही घात 1/3, और ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये वाला अपने को लिख के दे रखा है ये सेम का सेम। तो अब ये जो है ना, इसको अपन ये वाला लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो वाई बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स इस एक्स की जगह ये वाला लिख लेंगे, एक्स का मतलब ये एक्स है, इस एक्स के बाद कितना एक्स ही घात 1/3, तो एक्स की जगह लिख लेंगे 1/3,
फिर टेन इनवर्स वाई, वाई का मान यहाँ से एक ही घात एक बटा तीन, तो एक ही घात एक बटा तीन, ठीक है। ये वाला लिख के दे रखा था अपने को, इसी को ये लिख लिया, बस इतना सा चेंज किया है ताकि इसका अवकलन हो जाए। तो टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह था एक्स ही घात एक बटा तीन, टेन इनवर्स वाई, वाई की जगह था एक ही घात एक बटा तीन, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाई बन गया। अब इसका अवकलन निकालना है, तो अवकलन इसका कर लेंगे, तो वाई का अवकलन होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। उसके बाद में है ये टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हैं अपन, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, और एक्स की जगह कितना है एक, एक्स की घात है एक बटा तीन, और इसका करना क्या होता है स्क्वेयर, ठीक है। इन टू में टेन इनवर्स का तो कर लिया, अब अपने को अवकलन करना एक्स की घात एक बटा तीन का, ठीक है। तो एक्स की घात एन का जो अवकलन होता है वो होता है एन एक्स की घात एन माइनस में वन, और यहाँ पर एक्स की घात एक बटा तीन, तो इसका एन की जगह क्या आएगा एक बटा तीन, एक्स की घात एन माइनस वन, एन की जगह आएगा एक बटा तीन और माइनस एक बटा एक, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा एक्स की घात एक बटा तीन का, यहाँ से एक बटा तीन एक्स की घात एक बटा तीन माइनस एक, तो ये कितना बचेगा एक्स की घात आ जाएगी माइनस दो बटा तीन, तो यहाँ से माइनस दो बटा तीन लिख लेंगे। देखो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह था एक्स की घात एक बटा तीन और इसका स्क्वेयर कर दिया। इन टू में इस एक्स का भी करेंगे, तो एक्स का अवकलन कर लिया अपन एक्स की घात एक बटा तीन का, एक बटा तीन एक्स की घात एन माइनस वन, एन की जगह एक बटा तीन माइनस वन, एक बटा तीन माइनस वन अपॉन वन करेंगे तो बचेगा माइनस दो बटा तीन, तो वो पिन यहाँ पे लिख लिया। प्लस टेन इनवर्स ए जो है वो अचर पद होता है, और अचर पद का अवकलन कितना होता है जीरो, तो इसका अवकलन हो जाएगा जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या निकल गया यहाँ से, ये तो है वन अपॉन में थ्री, तो ऊपर क्या बचा वन, ऊपर तो वन बचा, अपॉन में क्या आएगा ये थ्री भाग में है, एक प्लस एक्स की घात एक बटा तीन और पूरे की ओर स्क्वेयर ही, ये माइनस की है नीचे आएगी तो घात किसकी हो जाएगी प्लस की, तो एक्स की घात होगी दो बटा तीन। उसके बाद में सी है वाई बराबर में साइन इनवर्स एक्स रूट एक माइनस एक्स माइनस रूट एक्स गुणा रूट एक माइनस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो साइन इनवर्स का भी अपन फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस में वाई स्क्वेयर माइनस वाई रूट वन माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर वाई माइनस वाई रूट वन माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये एक्स है यहाँ पे, तो इसकी तुलना इधर से करें इसके साथ में, तो ये साइन इनवर्स है ये साइन इनवर्स है ये एक्स है, तो एक्स का मान तो एक्स ही है, दूसरा वाई, वाई का मान यहाँ से कितना है रूट एक्स है, तो ये वाली टर्म लिख रखी है अपने को लिखना है, अब ये वाला इसमें मान लिखने हैं एक्स के और वाई के, तो एक्स का मान यहाँ से क्या निकला एक्स ही निकला, तो इस एक्स की जगह एक्स ही लिखेंगे, वाई का मान यहाँ से क्या निकला रूट एक्स, तो इस वाई की जगह क्या लिख लेंगे रूट एक्स, उसके बाद में अवकलन कर लेंगे। तो वाई बराबर में साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या निकला एक्स है, फिर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, फिर साइन इनवर्स वाई, वाई का मान क्या है यहाँ से रूट एक्स है, तो ये वाली टर्म लिख रखी थी, इसी को कन्वर्ट करके अपने को इसमें लिखना है, इसको अपन ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिख सकते हैं, तो इसको ये लिख लिया अपन ने, एक्स की जगह एक्स आ गया वाई की जगह रूट एक्स लिख लिया, ठीक है। अब इसका अवकलन कर लेंगे, तो वाई का अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वन अपॉन में रूट वन माइनस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एक्स का अवकलन करेंगे वन हो गया माइनस, फिर साइन इनवर्स एक्स है अवकलन होता है वन अपॉन में रूट वन माइनस में एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह यहाँ पे कितना है रूट एक्स है, इसका क्या करना है स्क्वेयर इन टू में, अब रूट एक्स का अवकलन भी करना है तो ये हो जाएगा वन अपॉन में टू रूट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर होता है कर लिया, फिर इस एक्स का करेंगे इन टू वन आ गया, फिर माइनस साइन इनवर्स का करेंगे अवकलन तो वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर होता है वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह है रूट एक्स तो रूट एक्स का स्क्वेयर इन टू में इस रूट एक्स का करेंगे तो वन अपॉन में टू रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में वन अपॉन में रूट वन माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में रूट वन माइनस रूट एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा, इन टू में क्या आएगा इसके वन अपॉन में टू रूट एक्स, ठीक है। ये फलन का हो गया अवकलन।